नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कुंभ लग्न के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा? एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए आपके लग्न कुंडली में पहले घर में 11 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। आपके कुंडली में मेन लग्न कुंडली होती है चंद्र कुंडली, नौवांश, त्रिशांश, होरा, 16 प्रकार की कुंडलियां हैं, उसमें लग्न कुंडली मेन होती है। ये मेन कुंडली में आपका जहां चंद्र लिखा है वहां 11 लिखा हो तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। अब कुंभ लग्न है तो ये वीडियो देखने के लिए मैंने बोला। और थोड़ा अभी ओल्ड को पहले आपको रियलाइज कराता हूं मैं जो चीज को। जनरली देखिए 12 जुलाई से 28 अगस्त तक का टाइम जो गया आपका, इट हैज बीन नाउ गॉन। 28 अगस्त तक का मान के चलिए कि सितंबर में 28 अगस्त तक 12 जुलाई से आपका या तो कोई बहुत बड़ा हेल्थ का इश्यू हुआ होगा, बहुत खर्च हुआ होगा, बट ये इस महीने का मैंने देखिए हेडिंग लिखा है बिग चांस। नाउ ये महीना आपको सितंबर महीना एक बहुत बड़ा चांस के कगार पे आपको लाके खड़ा कर देगा। पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि लग्नेश 12 में गए, बहुत बड़ा खर्च तो आपने 12 जुलाई से 28 अगस्त में उठा ही लिया है। 28 अगस्त तक ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा जो खर्च का था। सितंबर महीना बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे सपने आपके सच करने के लिए आ रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप, मतलब देखिए जनरली मैं देखता हूं आपका पार्टनरशिप का जो पार्टनर है आपका वो आपसे ज्यादा दमदार व्यक्तित्व है, यानी कि बहुत आपका कैसा है, जो भी चलेगा सब चलेगा ऐसा चलाते हैं आप, मतलब लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं 12 लग्न में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग आप लोग को समझता हूँ। मैरिज लाइफ के लिए एक्वेरियस लड़की और वर्गो लड़की, कन्या लड़की बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बर्दाश्त करने का आपके पास कैपेसिटी है। आपके मन के अंदर क्या चलता है कोई नहीं रीड कर सकता जब तक आप चाहते नहीं। और मैं ये महीना आपके लिए कोई पार्टनरशिप में आपके स्पाउस के साथ या बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए ये बेस्ट महीना समझ रहा हूँ मैं आपके लिए। और दो स्टूडेंट्स जो लोग फॉरेन जाने की ट्राई कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, उनके लिए भी मैं मानता हूँ कि क्योंकि एक बहुत बड़ा खर्च भी दिख रहा है, लोनलीनेस भी दिखाई दे रहा है जनवरी तक आपके लाइफ में थोड़ा बहुत छोटा मोटा, तो ये एक रिलीजियस ट्रैवलिंग 23 सितंबर तक देगा आपको। 22 सितंबर तक, 23 सितंबर तक नहीं, 22 सितंबर तक, 25 अगस्त से 22 सितंबर तक स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा मौका भी मिलेगा अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, और अगर एक बहुत बड़ा खर्च भी लिखा है जो भी जनवरी 2023 के पहले, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र केयरफुल चलिएगा, बट ये महीना आपको बहुत बड़ा चांस के कगार पे खड़ा कर देगा। ग्रेप द चांस, ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा। 16 अगस्त से 17 अक्टूबर तक देखिए बहुत बड़ा चांस आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेनेट आपकी फेवर में दिखाई दे रहे हैं। अब देखें इसको के मैं ज्यादातर एक्वेरियस लग्न को देखता हूं, बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं या दाढ़ी रखते हैं, हेयर रेगुलर ट्रिम नहीं करते। सजेशन देता हूं मैं, शनि का ताकत नहीं बढ़ने दीजिएगा आपके जीवन में। रूलिंग प्लेनेट है, आपको ताकत बढ़ने देना है वीनस का। शुक्र योग कारक है आपका, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र और ये त्रिकोण, इस मतलब ये केंद्र तो ये चारों है लेकिन शुक्र केंद्र त्रिकोण का स्वामी है आपके लिए, यानी कि आपके पास सबसे बड़ा भगवान की इस दुनिया में क्वालिफिकेशन में बोलेंगे तो लेडी लक है, फीमेल का नसीब आपके पास जुड़ा हुआ है। कोई बेटी होने के बाद, विवाह होने के बाद और जीवन में कोई भी फीमेल के आने के बाद बहुत लाभदायक सिचुएशन आप लोग के खड़े होते हुए मैंने बहुत बार देखे हैं। एक्वेरस, एक्वेरस को मैंने शनि का ताकत बढ़ने को मैंने ना बोला, यानी कि आपका घर का नंबर 17 है, 26 है, 8 है, 80 है, ऐसा घर में न तो आपको रहना चाहिए। और आपके जो देखिए ये कुंभ मकर है, कुंभ है, ये शनि का लग्न है, ये तो आदमी को बहुत बड़ा राजा बनाता है, या तो आपके हाथ के नीचे बहुत लोग काम करेंगे, अदरवाइज आप खुद एक लेबर बन जाए, तो बहुत मेहनत वाला जीवन होता है एक्वेरस का। एक्वेरस को स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में भी मैं बहुत बार प्रॉब्लम फेस करते हुए देखता हूँ, बट ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत तरीके से अच्छा है, आपको बहुत बड़ा चांस मिलेगा, न्यू कॉन्सेप्ट होगा पार्टनरशिप के लिए। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन में देखिए ये टाइम केयरफुल रहने का टाइम, 7-8 सितंबर देखिए ये एक्सपेंसिव टाइम है, 7-8 ये मकर का चंद्र है, 6-12 में मैंने जो बोला फॉरेन जाने की कोशिश जो कर रहे हैं आप, स्टूडेंट है तो बेस्ट टाइम है फॉरेन जाने के लिए, 7-8 सितंबर। स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आपको फॉरेन जाने का, फॉरेन से कहीं कुछ कनेक्शन आने का
बहुत बड़ा पैसा अचानक आपकी बैलेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाना, यानी कि देखिए जनवरी 2023 तक, जनवरी 2023 तक शनि आपका 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक 12वें स्थान में है। ये बहुत बड़ा खर्च का सिग्नल दे रहा है आपको। ये एक्सपेंसिव डे है, 7 और 8 फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा। 21 और 22 सितंबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए टाइम है, हेल्थ के लिए केयरफुल फॉर हेल्थ। और 25, 26, 27 थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा, इसको मार्क करिएगा। इन शॉर्ट ये महीना मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ आपको, बेस्ट है। देखिए मैंने लास्ट वीक लिखा है, लेकिन 25, 26, 27 थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोला है। बहुत बड़ा ऑफर अभी कर्मस्थान पर गुरु की आस्पेक्ट है। मैं काम धंधे में आप जैसे लोगों को देखिए मिलिट्री में देखता हूँ, सिक्योरिटी में देखता हूँ, क्योंकि यह वृश्चिक राशि है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखता हूँ, बहुत सारे लेबरों के बॉस होते हैं आप जैसे लोग। 6 नंबर की ताकत बढ़ाते जाओ आपके जीवन में, वीनस का ताकत बढ़ना चाहिए। आपका घर का नंबर 6 मिल जाए, जैसे 8 नंबर हो, 17 हो, 26 हो, 35 हो, 8 हो, 80 हो, 62 हो, 26 हो, तो उस घर में आपको नहीं रहना चाहिए। आपके हाथ के नीचे जो लोग हैं उनको रखो, आपको रहना चाहिए 6 नंबर के घर में। 6 नंबर इज फॉर वीनस, वो केयरफुल रहे। जॉब के लिए मैं लास्ट वीक बेस्ट समझता हूँ, ऐसा तो बेस्ट चांस है ही आपको। बहुत बड़ा पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है, और रिलीजियस कोई बहुत बड़ा ट्रैवलिंग मैंने बोला आपको 23rd में मिलने वाला है। बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस, गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है। बहुत समय से अगर आप सोच रहे कि बिजनेस करना है, देखिए अभी एक्सपेंसिव जरूर है, अभी का जो वक्त चल रहा है वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है आपका, बहुत लॉन्ग टर्म में काम आने वाला इन्वेस्टमेंट है। इट विल बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा बिजनेस अगर आपके दिमाग में आ रहा है अभी, तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि कर्मस्थान को गुरु देख रहा है। लग्नेश 12 में तो थोड़ा लॉन्ग टर्म शॉर्ट के बिजनेस करना है आपको। सो बिजनेस आई हैव सेड यस, शुरू करना है तो मैंने बोला ऐसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री। भाइयों के साथ का भी बिजनेस आप लोगों को बहुत सूट होता है, मैंने देखा है। देखिए वृश्चिक राशि है तो भाइयों के साथ के बिजनेस भी होते हैं, केमिकल के बिजनेस होते हैं। हेल्थ के लिए मैंने केयरफुल रहने बोला आपको, 21 और 22 यहाँ ही बोला है, और वही यहाँ वापस रिपीट लिखा है मैंने, 21 और 22 कोई देखिए यह 6वें स्थान का चंद्र है आपका 21 और 22 को, तो शीत प्रकृति मतलब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट इसमें, शीत प्रकृति मतलब ठंडा बर्फ का पानी पी लेना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना। जो शुक्र योग का रखे तो आपको मौज मस्ती का तो भगवान का कृपा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा आनंद वाला लोग मिल जाता है, आपके दोस्तों की कृपा हो जाती है, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है। तो ये चीज की वजह से केयरफुल रहिएगा, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा। 21 और 22 स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, 22 सितंबर आई सेड स्टूडेंट को अप टू 22 सितंबर मैंने बेस्ट लिखा है। 25 अगस्त से 22 सितंबर तक, 21-22 सितंबर तक, 25 अगस्त से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी कि कोई हायर एजुकेशन के लिए आप पढ़ने के लिए आप फॉरेन जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं, अभी देखिए जनवरी 2023 तक छोटा मोटा शिकायत तो आपको रहेगा। सिंस लास्ट 2.5 ईयर्स, ये 3 साल से जनवरी 2020 में शनि मकर राशि में एंटर हुआ है, जनवरी 2020 में आप रिकॉर्ड चेक करें, 24 जनवरी को 2020 को ये शनि एंटर हुआ है, तब से छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आपके साथ है ही, वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग हर बार क्रिटिसिज्म में लिख रहे हैं कि एक्वेरस के बारे में हम हमेशा नेगेटिव प्रेडिक्शन देते हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट है जो लग्नेश है, जो राजा है, आपकी ड्राइव कर रहा है कुंडली को, अगर वही कुछ आपके लिए फंसा पड़ा हो तो उसकी उम्मीदें मुझे जनवरी 2023 के बाद बहुत पोजीशन अच्छा होने लग जाएगा। काम धंधे में मेहनत जरूर आएगा बट अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा। रेगुलर हेयर ट्रिम करते रहिएगा, परफ्यूम का यूज करते रहिएगा, 6 नंबर का ताकत बढ़ाते रहिएगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो मैं जनरली देखता हूँ एक्वेरियस आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, शनि प्रधान लोग हैं आप, हार्ड वर्किंग आप लोग है ही है, वो आपके ब्लड में है वो चीज। आपको स्टूडेंट के लिए मैंने बोला 22 सितंबर तक बेस्ट है, प्यार करते हैं उनके लिए देखिए 6, 7, 8, 9 और 17, 18 बेस्ट है। अभी 9 तारीख मैंने सबसे बेस्ट इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ चंद्र शुक्र का प्रतिति हुआ है सिंह और कुंभ में, चंद्र शुक्र का प्रतिति हुआ है। अब 25 सितंबर को देखिए यहां लिखा है मैंने केयरफुल रहने वाली तारीख में, इस दिन देखिए कन्या राशि में चंद्र शुक्र है, यहां
कन्या राशि में आपके आठवें स्थान में, यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली, नहीं तो ये आपको तकलीफ में डालेगा। 25 तारीख को सितंबर को षष्ठेश जरूर है, बट चंद्र शुक्र का युति 25 सितंबर को हो रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल। प्यार करते हैं उनके लिए, मैंने देखिए मैं एक्वेरियस लग्न वालों को ज्यादातर जुड़वा संतान देखता हूँ, यानी कि दो लड़का होता है, दो लड़की होता है, कभी एक साथ दो होते हैं, ड्यूअल जो चाइल्ड है वो एक्वेरियस को गॉड गिफ्ट है। आपका जेमिनी साइन संतान साल में है, दो संतान होते हैं, एक और पंचमेश अष्टमेश एक ग्रह, तो ये जो संतान है वो हमेशा आपको उसका टेंशन होता रहता है, क्योंकि पंचमेश अष्टमेश एक ग्रह, लग्नेश और व्ययेश एक ग्रह, इसका मतलब है आपका जीवन में कभी भी याद रखिएगा, आपको एक बार जीवन में वो बॉटम पे लाता है फिर राइज करता जरूर है, लेकिन एक बार जीवन में बॉटम पे लेके आता है। और एक्वेरियस खाली कभी मरता नहीं, अगर आप नेगेटिव बोलते हो कि जोशी जी हमेशा आप नेगेटिव बोलते हो, तो ये बात भी बराबर देख लो, एक्वेरियस मतलब घड़ा, कुंभ है, घड़ा है, वो कभी खाली नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई वो प्रॉपर्टी रख के ही जाता है एक्वेरियस। एक्वेरियस की सबसे बढ़िया बात है ये कि अपने हेरिटेंस में बहुत सारी प्रॉपर्टी रख के जाता है, अनलेस आपके छेवे स्थान में नीच राशि का मंगल ना हो, आपके कुंडली का बेसिकली जो ढांचा है उसमें भी सपोर्टिव, देखिए छेवे स्थान में नीच राशि का मंगल है तो बहुत खर्च हो जाएगा, बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में एक्वेरियस देके जाता है अपने बच्चों को। मैरिज के लिए आई हैव सेड नो, अभी कोई गुरु का आपके सेवेंथ हाउस को कोई सपोर्ट नहीं है, सो आपका देखिए ये महीना मैंने बिग चांस न्यू कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप लिखा है, शुक्र आपके सप्तम स्थान से बहुत लंबे समय तक है, 23 सितंबर तक है, ये आपको रोमांटिक भी बनाता रहे। और लव करने के लिए 9 तारीख बेस्ट बोला, विवाह के लिए आई सेड नो, गुरु का सपोर्ट नहीं है, अब बहुत फास्ट गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, फास्ट ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो बात अलग है, बाकी इतना जल्दी जल्दी होगा नहीं, सो आई सेड विवाह के लिए नो। शेयर मार्केट के लिए भी मैंने नो लिखा है, पंचमेश से पंचम स्थान में केतु है, सो आई सेड नो। शेयर मार्केट के लिए भी मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है आपके लिए, देखिए मैं इस महीने में बहुत बड़ी उम्मीदों का महीना है, ये बहुत बड़ा चांस आपको दिखाई देगा, गुरु आपके संतान स्थान के स्वामी को देख रहा है, बच्चे के स्थान के स्वामी को देख रहा है, यानी कि 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक गुरु के पूरे कंट्रोल में है आपका पंचमेश, यानी कि संतान के लिए आपके बच्चों के लिए भी कुछ गुड रिजल्ट ये बुध दे देगा, क्योंकि बुध आपका अपने ही घर में आया है, पंचमेश अष्टम में है, गुरु से दृष्ट है, संतान का भी बच्चों का भी कुछ ना कुछ गुड न्यूज ये दे के रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट के लिए आई हैव सेड नो, अभी देखिए प्रदोष है 8 और 23 सितंबर को, अगर आप बहुत कर्ज से परेशान है, तो याद रखिएगा ये 8 और 23 सितंबर को सिर्फ शिव मंदिर में जाइएगा, शिव मंदिर में दर्शन करिएगा मॉर्निंग में, और पूरे दिन अगर हो सके तो खाना नहीं खाइए, और शाम को सूर्यास्त से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में एग्जैक्टली शाम को सूर्यास्त के करीब भगवान शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद खाना खाओ, बहुत लाभदायक रहेगा आपका जो ये कर्ज बाजारीपना है, झगड़ा है आपके जीवन में। मैं ज्यादातर देखता हूँ आप लोगों को हमेशा संघर्ष में जीना पड़ता है, मतलब बहुत हार्डवर्किंग पर्सन, और ये संघर्ष खर्च संघर्ष झगड़ा झगड़ा में भी पर्टिकुलर, देखिए पत्नी बहुत, देखिए आपके सेवेंथ हाउस का स्वामी सूर्य आपसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, बहुत शानदार धूमधाम से शादी होती है, और मैरिड लाइफ के स्पाउस से आप दब जाते हैं, आपका स्पाउस देखिए अभी भी स्पाउस का आप लोगों को जीवन भर आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ये मेरा सजेशन, क्योंकि आपका सेवेंथ हाउस का स्वामी सूर्य, जीवन भर सूर्य को जल चढ़ाओ, आपका पर्टिकुलरली फीमेल एक्वेरियस है उनको तो पति के साथ का पति एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी और आपको हर बार एक लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हुआ आपको स्पाउस मिलता है, यानी कि वो हैंकी पैंकी कारोबार नहीं चलाएगा, यानी कि एक लेवल का एक्सपेक्टेशन जो है आपकी तरफ वो एक्सपेक्टेशन पे आपको लिफ्ट करने वाला पार्टनर है आपका। बिजनेस पार्टनर भी ऐसा होता है कि सब चलेगा ऐसा नहीं होता। चतुर्थी देखिए 13 सितंबर और 29 सितंबर को चतुर्थी है, अभी आपके मंगल चतुर्थ में है, ये घर के अंदर थोड़ा टेम्पर्ड वातावरण देता है, गर्म वातावरण देता है, तो ये 13 सितंबर और 29 सितंबर को एटलीस्ट हो सके तो गणेश मंदिर में दर्शन करने जाइएगा, 13 सितंबर और 29 सितंबर को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इस महीने में देखिए सर्वपित्री अमावस है 25 सितंबर को, 25 सितंबर को सर्वपित्री अमावस है, ये अमावस के दिन अगर आपका जन्म का राहु कहीं भी हो, देखिए आप ऑब्जर्व करिएगा जन्म का राहु कहीं भी हो, सेवेंथ हाउस में हो तो ये गए जन्म का पार्टनर मिलता है वैवाहिक जीवन में,
अब लग्न में है तो मोनोपोली देता है, आपके फोर्थ हाउस में है राहु तो घर का योग बनने नहीं देगा। राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में है तो आपका घर का मामला वो बार बार दूषित करता रहेगा। तो बेसिकली सर्व पितृ अमावस है 25 सितंबर को, 25 सितंबर के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, बहुत लाभ रहेगा। इस महीने में 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, यहां से श्राद्ध पक्ष का अंत होगा 25 सितंबर तक। दिस इज द टाइम, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम इतना ही बोलते हैं कि ये हिंदू कॉन्सेप्ट है, इसमें हम यही बोलते हैं कि हम इसमें कोई शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करते, नो न्यू बिगिनिंग। हम इसमें कोई भी बहुत बड़ा, जैसे कार लेना हो, घर लेना हो, घर शिफ्ट करना हो, कोई बहुत बड़ा कार्य शुरू करना हो, अब ऑलरेडी हो चुका है उसकी बातें छोड़ दीजिए। जनरली हमको छोटी मोटी ट्रैवलिंग पे जाना हो, नेटिव प्लेस पर जाना हो, तो ये डेट्स को हम ज़्यादातर टालते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स करनी हो तो ये डेट को हम ज़्यादातर टालते हैं 10 सितंबर से 25 सितंबर तक के टाइम को। बट ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जनरली ये टाइम में अपने पूर्वजों के लिए कुछ शुभ कार्य करने का ये टाइम है। और 26 सितंबर से नवरात्रि, देखिए मैंने जितने एक्वेरियस देखे हैं सभी का जीवन में फीमेल यानी कि विवाह के बाद लाभ हुआ है, कोई भी अपोजिट सेक्स के आने के बाद लाभ हुआ है। पर्टिकुलरली बहुत सारे मैंने मेल्स को एक्वेरियस को देखा है कि उनके जीवन में पत्नी आने के बाद बहुत लाभ होता है। और इस बार देखिए नवरात्रि है, 26 सितंबर से शुरू होगा 9 दिन के। कन्या भोजन कराइएगा, छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाइएगा, शुक्र की मेहरबानी आप पर है। और ये हमेशा करते रहो, छोटी छोटी लड़कियों को 9-10 साल से घर पे बुलाओ, खीर पूरी का भोजन कराओ और यथाशक्ति आपके तरफ से गिफ्ट दो। मेहंदी के कोन है, नेल पॉलिश है, बिंदिया है, चूड़िया है, इवन स्कूल बैग भी गिफ्ट करो छोटी छोटी बच्चियों को। शी विल, मतलब ये लोग खुश होके जाने चाहिए आपके घर पे 26 सितंबर से नवरात्रि का 9 दिन का पर्व शुरू होगा। अब देखिए 5 जून से 22 अक्टूबर तक शनि रेट्रो है, यानी कि मैंने बताया साहब बहुत बड़ा खर्चा ये देने वाला है और ये खर्चा आपको दे चुका होगा क्योंकि ये खर्चा 29 अगस्त के पहले यानी कि 12 जुलाई से 28 अगस्त में, अभी भी ये वीडियो शायद आपको मिलेगा उसको लगभग 23-24 अगस्त हो गया होगा, 23-24 अगस्त के करीब आपको ये वीडियो मिलेगा। मतलब 28 अगस्त तक बहुत बड़ा खर्चा 100% आप करना ही पड़ेगा आपको, 12 जुलाई से 28 अगस्त में। 29 अगस्त से चित्र आपका एकदम फेवर में होने वाला है और ये 13 दिसंबर तक रहेगा। 29 अगस्त से 13 दिसंबर तक बहुत बड़ा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हाथ में आएगा। अब देखें शनि का मैंने बताया आपको 12वें स्थान में, बहुत मेहनत करा रहा है आपसे, आने वाले टाइम में ये लाभ देगा। गुरु की एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पर है, अगर आपके पास गुरु, देखिए आपके पास घर के पास कोई केले का झाड़ हो, बनाना ट्री हो, उसका रूट स्क्वायर टुकड़ा काट के गले में पहन लो, बहुत लाभ होगा। गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है यानी कि बहुत बड़ा काम धंधे में बेनिफिट देगा ये। केले का झाड़ का जड़ स्क्वायर टुकड़ा काट के गले में पहन सकते हैं आप। मंगल चतुर्थ में आया है, घर में वातावरण थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, आपका स्पाउस आपसे ज़्यादा सक्सेस होता हुआ भी आपको दिखाई देगा क्योंकि एक तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है, अगर वो नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ काम कर रहा है आपका स्पाउस, तो बहुत लाभदायक आपके लिए, उनके लिए बहुत लाभदायक सिचुएशन खड़ा होने वाला है आने वाला टाइम में। यानी कि ये कम से कम पूरा सितंबर नहीं, 14-15 अक्टूबर तक आपका स्पाउस का अथॉरिटी बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। गणपति पूजन जरूर करिएगा 13 सितंबर और 29 सितंबर को। घर में एग्रेसिव वातावरण है, आपके घर में अगर वातावरण बहुत गर्म हो रहा है, बात बात पर खाना खाते खाते झगड़ा हो रहा है, आगे आप अनुभव करते हैं, तो 13 सितंबर और 29 सितंबर को गणेश पूजन करिएगा। गणेश गायत्री मंत्र, गणेश चतुर्थीश, गणेश सहस्त्रनाम सुनिएगा और गणेश दर्शन करिएगा और लड्डू का भोग लगा सको तो बहुत अच्छी बात। तो मैं ये गजकेसरी योग के बारे में और बताता हूँ, इसमें ये गजकेसरी योग थोड़ा ज़्यादा लाभदायक नहीं है आपके लिए, ये कन्या राशि का आ गया इसके लिए। बाकी ये 3 गजकेसरी योग 5 सितंबर, 11 सितंबर और 18 सितंबर, ये गजकेसरी योग मतलब देखिए गुरु से केंद्र में चंद्र हो, यानी कि यहाँ 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 और यहाँ चंद्र हो तभी गजकेसरी योग बनेगा। 5 सितंबर, 11 सितंबर और 18 सितंबर और 26 सितंबर को गजकेसरी योग बनाए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो बुध गुरु का अपोजिशन है, वो भी बहुत अच्छा है। आपके पत्नी के परिवार के साथ
के लोगों को, पत्नी के परिवार को या पति के परिवार को, लोगों को भी आप बहुत इजीली हैंडल कर सकेंगे। इस समय मैं समझता हूँ ये महीना बहुत, जो आपको बहुत शिकायत है कुंभ लग्न से, कुंभ लग्न शिकायत का लग्न, लग्नेश और वेश एक की ग्रह है, वर्क प्लेस से दूर जाना पड़ता है, बहुत बार लोनलीनेस को फेस करना पड़ता है और हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेडी लक आपको मिलता है, लेकिन किसी और के नसीब का पैसा, उसके एंजॉयमेंट भी जीवन में बहुत कम देखे जाते हैं, आपके चेहरे पर बहुत मैच्योरिटी दिखाई देती है, एक्वेरियस लग्न के चेहरे पर देखिए मैच्योरिटी दिखाई देती है, बहुत बार दाढ़ी रखते हैं, मैंने बोला ऐसा बड़े बाल रखते हैं, रेगुलर हेयर ट्रिम करो, बड़ी दाढ़ी बड़ी मूछ नहीं रखो तो बेटर है, क्योंकि शनि का ताकत चेहरे पे बहुत बढ़ता है आप लोगों का, हमेशा परफ्यूम यूज करो और एकदम शुक्र प्रधान कपड़े पहनो। देखिए शुक्र वालों को देखें आप कभी कि बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा कॉस्टली सुंदर कलर्ड कपड़े पहनते हैं, डिजाइनर्स कपड़े पहनते हैं, डिजाइनर्स कपड़े पहने और रेगुलर हेयर ट्रिम करें, ये आप लोगों को सजेशन दिया मैंने। आपका इस महीने को देखें, सूर्य सप्तम ने आया, मैंने पूरा जीवन भर ही बोला है आप लोग, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जीवन भर सूर्य को जल दे, ओम सूर्य नमः का मंत्र करे, या तो जपा कुसुम संकाशम काशपे मा धुतिम तमोरिम सर्व पापक नप्रंतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को रेगुलर जल दो, एवरी महीने नहीं लेकिन जीवन भर एवरी डे मॉर्निंग सुबह सूर्य को जल दो, नीचे पानी तुलसी के पौधे में गिरता हो तो बहुत अच्छा है, या तो केले के पौधे में पानी गिरता हो तो बहुत अच्छा है, पानी का वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट यही सीधा है कि पानी सबसे जूना धरती पे पानी है, पानी आने के बाद जीवन में शक्ति को सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है पानी, पानी से इलेक्ट्रिक भी पानी से ही होता है, बनता ही पानी से, तो पानी में शक्ति है, तो शक्ति को आह्वान करने के लिए सूर्य को जल दीजिए रोज। आपका जो सूर्य का जो नेगेटिविटी है, आपका लग्नेश का सबसे बड़ा शत्रु है वो सूर्य, और वो आपके सप्तम स्थान में अभी है, आपका स्पाउस का सम्मान रखते जाइएगा जी, ये महीना मैं समझता हूँ बेस्ट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और जो लोगों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।